क्लास सेवन चैप्टर नंबर एट कंप्यूटर इंट्रोडक्शन टू विजुअल बेसिक 2013। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दे रखे हैं और इसमें दूसरे डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं जिसमें आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं सीधे सीधे। इसमें सारे के सारे आपके वन वर्ड हैं या फिर फिल इन द ब्लैंक्स हैं या फिर ऑप्शनल हैं ऑब्जेक्टिव, ठीक है। चलिए तो फिल इन द ब्लैंक्स से शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, विजुअल बेसिक इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम लैंग्वेज डेवलप्ड बाय। ये विजुअल बेसिक जो हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो कौन सी कंपनी ने इसको तैयार किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने। तो इसमें आप माइक्रोसॉफ्ट फिल कर देंगे। दूसरा है, द डैश विंडो इज एन इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस फंक्शन इन विजुअल बेसिक, ठीक है। तो इसमें फिर क्या फिल कर देंगे आप? IDE, ओके IDE। नंबर थर्ड पे आ जाइए, डैश डिस्प्लेस द टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट एंड द नेम ऑफ द प्रोग्राम। तो नेम ऑफ द प्रोग्राम ये और बाकी प्रोग्राम्स की तरह इसमें भी किससे शो होगा? टाइटल बार्स में, ठीक है। टाइटल बार में ही नेम शो होता है हमारा, जो भी प्रोग्राम जो भी हमारा प्रोजेक्ट है या जो भी डॉक्यूमेंट है उसका नेम हमारा टाइटल बार में शो होता है। नंबर फोर पे आ जाइए, डैश कंटेन्स सेवरल ड्रॉप डाउन मेन्यूज वाइल डैश कंटेन्स वेरियस बटन कमांड्स। तो देखिए ड्रॉप डाउन मेन्यूज जो है मोस्टली मेन्यू बार में होते हैं और टूल बार में जो होते हैं बहुत सारे बटन होते हैं कमांड्स के, ठीक है। तो इसमें मेन्यू बार फिल हो जाएगा फर्स्ट ब्लैंक स्पेस में और सेकंड में टूल बार। फाइव वाले में आ जाइए, द मेथड ऑफ डेवलपिंग एंड एग्जीक्यूटिंग नंबरस सेट ऑफ कमांड्स टू लेट अ कंप्यूटर इंप्लीमेंट डिफरेंट टास्क इज कॉल्ड। तो ये तो आप जाहिर सी बात है आप जानते हो, इसको हम प्रोग्रामिंग बोलते हैं। जो कमांड्स होती है, जो कमांड्स के सेट होते हैं उनको हम जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो बहुत सारे अलग अलग टास्क के लिए, तो इसको हम प्रोग्रामिंग बोलते हैं, ठीक है। नंबर सिक्स पे आ जाइए, टू स्टार्ट विजुअल बेसिक यूज़र हैज़ टू सेलेक्ट डैश एप्लीकेशन आफ्टर सेलेक्टिंग न्यू प्रोजेक्ट। तो इसमें किसको सेलेक्ट करेंगे हम न्यू प्रोजेक्ट के लिए? नया प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने के बाद हम कहाँ सेलेक्ट करेंगे? विंडो फॉर्म्स पे, ठीक है। तो इसमें विंडो फॉर्म आ जाएगा। सेकंड पे आ जाइए, आपका क्वेश्चन नंबर टू है मैचिंग। तो कॉलम ए कॉलम बी से मैच करना है आपको, तो सारा के सारा चैप्टर पे ही बेस है ये। देखिए सॉल्यूशन एक्सप्लोरर ये क्या होता है हमारा? सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। तो ये बी वाले से मैच कर लिया जाएगा आपका, ठीक है। सेकंड है आपका टूल बार क्या होते हैं? बहुत सारी कमांड्स के बटन्स होते हैं, तो इसमें आपको हम किससे मैच कर देंगे? ई कमांड बटन से। थर्ड है हमारा प्रॉपर्टीज़ विंडो, तो जाहिर सी बात है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंट्रोल, इसको डी से मैच कर देंगे, ठीक है। मेन्यू का मतलब क्या होता है? अभी हमने ऊपर फिल इन द ब्लैंक्स में पढ़ा था, ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ होते हैं इसमें, ठीक है। डिज़ाइनर विंडो का मतलब क्या होता है? ब्लैंक फॉर्म जो हम ओपन करते हैं, हम इसको नया प्रोजेक्ट ओपन करते हैं तो जो ब्लैंक फॉर्म होता है उसमें, वो हमारा डिज़ाइनर विंडो के नाम से चलता है, ठीक है। टूल बॉक्स में क्या होते हैं? बहुत सारे कंट्रोल बटन्स होते हैं, तो हमारे क्या होगा? रीयूजेबल कंट्रोल्स, तो इसको ए से मैच कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारी मैचिंग भी कंप्लीट हो जाती है यहाँ पे। समझ में आ गई ये बात? अब बात करते हैं वन वर्ड की। गिव वन वर्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्लेस वेयर यूजर ड्रॉ इंटरफेस ऑन द फॉर्म। अभी देखिए हमने मैचिंग में भी इसको पढ़ा था कि जो हमारा फॉर्म होता है, ब्लैंक फॉर्म होता है, उसमें हम जो ड्रॉ करते हैं बहुत सारी चीज़ें, उसको हम क्या कहते हैं, किस नाम से जाना जाता है इसको? अ प्लेस वेयर यूजर ड्रॉ इंटरफेस ऑन द फॉर्म। फॉर्म के अंदर जो इंटरफेस होता है वो ड्रॉ करते हैं इंटरफेस, उसको हम क्या बोलते हैं? डिज़ाइन विंडो, ठीक है। सेकंड वाले पे आ जाइए, आप विंडो सेकंड वाला देख रहे थे ना हम लोग। सेकंड, अ विंडो कंटेनिंग अ हायरार्किकल व्यू ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के व्यू हमें कहाँ मिलते हैं? सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में। थर्ड वाले पे आ जाइए, अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज टू क्रिएट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एप्लीकेशन। तो ये तो हमारा जाहिर सी बात है, इसी के बारे में तो हम बात कर रहे हैं, जिसका नाम है विजुअल बेसिक, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा विजुअल बेसिक। फोर्थ वाले में आ जाइए, विंडो शोइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द सेलेक्टेड टूल और द फॉर्म। तो देखिए प्रॉपर्टीज कौन शो करेगा? जाहिर सी बात है प्रॉपर्टी विंडो शो करेगा। तो इसमें आंसर हमारा क्या आ जाएगा?
प्रॉपर्टी विंडो। नंबर फाइव आ विंडो कंटेनिंग रियूजेबल कंट्रोल एंड कंपोनेंट्स। तो जिसमें रियूजेबल, अभी हमने देखो मैचिंग में भी बात की थी ऊपर, तो किसमें होते हैं ये हमारे सारे टूल बॉक्स में होते हैं, तो इसका नाम क्या रहेगा हमारा टूल बॉक्स रहेगा। अगला हमारा आ जाता है देखिए नंबर सिक्स अ विंडो कंटेनिंग ऑल द टूल्स टू क्रिएट विजुअल बेसिक प्रोजेक्ट। तो कौन सी विंडो होती है जिसमें सारे टूल्स होते हैं विजुअल बेसिक प्रोजेक्ट के लिए, तो इसको क्या बोलते हैं हम IDE या फिर इसको इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये तो आपके हो गए वन वर्ड। अब बचे थे हैं आपके ट्रू फॉल्स। ठीक है, ट्रू फॉल्स और कर लेते हैं। स्टेट ट्रू फॉल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। बिल्कुल पहला है आपको, पहला है आपका ग्राफिकल इंटरफेस कैन बी क्रिएटेड विदाउट एडिंग कंट्रोल्स टू द फॉर्म। बिना कंट्रोल के हम कैसे कर सकते हैं बताइए, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये फॉल्स हो जाएगा। सेकेंड वाले पे आ जाइए आप, द कंट्रोल्स कैन बी एडिड बाय ड्रैगिंग इट टू अ फॉर्म। जाहिर सी बात है हम एक जगह से दूसरी जगह ड्रैग करके ही ले जाते हैं, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। द डिफॉल्ट फॉर्म ऑफ दैट अपीयर्स ऑन द स्टार्टअप इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय इटसेल्फ। जो हमारा डिफॉल्ट फॉर्म होता है, जो स्टार्टिंग करने पे जब हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तब ओपन होता है, वो अपने आप से कंट्रोल हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, वो अपने आप से पूरा सारा सेटअप ओपन करके ही चलता है वो। ठीक है, अ कोड इज ओनली अ सेट ऑफ सिंबल्स। कोड सिर्फ सेट ऑफ सिंबल्स हो सकता है? नहीं हो सकता, तो ये फॉल्स हो जाएगा आपका। नंबर फाइव पे आ जाइए, द प्रॉपर्टीज ऑफ अ डिफॉल्ट फॉर्म कैन नॉट बी चेंज्ड। जो डिफॉल्ट फॉर्म होता है उसकी प्रॉपर्टीज हम चेंज नहीं कर सकते। अरे भाई क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं हम, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा ये भी। ठीक है, तो ये ट्रू फॉल्स हो गए हमारे। अब टिक द करेक्ट और रह जाते हैं हमारे, इनको भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है, पहला है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग विंडो इज यूज टू ऐड कंट्रोल्स टू द फॉर्म। तो अभी मैंने आपको बताया था ऊपर जो हमारे कंट्रोल्स ऐड किए जाते हैं वो किससे ऐड किए जाते हैं, टूल बॉक्स से। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं आपके टूल बार, मेन्यू बार, टूल बॉक्स, मेन्यू बॉक्स। तो इसमें सही आंसर क्या है हमारा, टूल बॉक्स। ठीक है, सेकंड हमारा आ जाता था फुल फॉर्म ऑफ IDE। IDE का फुल फॉर्म मैंने अभी आपको बताया था वन वर्ड में। देखिए पहला ऑप्शन है इंटीग्रेटेड डिबग एनवायरनमेंट, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, इंटर रिलेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, इंटर रिलेटेड डिबग एनवायरनमेंट। तो कौन सा होगा इसमें, बी वाला सही होगा, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ठीक है, अगला देख लो थर्ड नंबर पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू क्रिएट अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एप्लीकेशन। कौन सा यूज़ किया जाता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एप्लीकेशन के लिए, विजुअल बेसिक, स्मॉल बेसिक या वर्चुअल बेसिक या सेट ऑफ बेसिक। अभी हम किस चैप्टर की बात कर रहे हैं, इसमें शुरू से हम किसकी बात कर रहे हैं, विजुअल बेसिक की बात कर रहे हैं हम, स्मॉल बेसिक की, वर्चुअल बेसिक की या सेट बेसिक की, विजुअल बेसिक की बात कर रहे हैं ना, तो हमारा यही आंसर होगा इसका। ठीक है, अगला हमारा आ जाइए फोर नंबर पे, विच ऑफ द फॉलोइंग विंडो इज यूज टू सेट द प्रॉपर्टीज ऑफ कंट्रोल। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कंट्रोल की अभी मैंने पीछे ऊपर भी बताया था आपको, किसके यूज होता है, प्रॉपर्टीज विंडो। बाकी ऑप्शन डिजाइन विंडो, टूल बॉक्स, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, प्रॉपर्टीज विंडो। तो इसमें राइट आंसर क्या है हमारा, डी वाला, प्रॉपर्टीज विंडो। नंबर फाइव पे आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स इज यूज टू डिनोट एन इंस्टेंट ऑफ अ फॉर्म, यू मी आई वी। यू यूज होता है, मी यूज होता है, आई यूज होता है या वी यूज होता है, एम ई मी यूज होता है। ठीक है, तो आपका बी वाला मी राइट आंसर है। नंबर फोर पे आ जाइए, द कंट्रोल इन द टूल बॉक्स आर। जो टूल बॉक्स की बात हो रही थी तो अभी हमें रियूजेबल की बात हो रही थी, इसमें ऑप्शन है आपका कलरफुल, सिंपल, रियूजेबल, फॉर वन टाइम यूज। तो रियूजेबल होते हैं इसमें, तो आपका सी वाला आंसर सही होगा। सेवन पे आ जाइए, द सिंटैक्स फॉर डिफाइनिंग अ प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी नेम, ऑब्जेक्ट नेम प्रॉपर्टी, ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू प्रॉपर्टी, ऑब्जेक्ट नेम प्रॉपर्टी। तो जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट नेम प्रॉपर्टी। ठीक है, ऑब्जेक्ट आता है, नेम आता है, देन प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये हमारा बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नंबर सेवन पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंट्रोल। इसमें से कौन सा कंट्रोल नहीं है, टेक्स्ट बॉक्स, लेबल या बटन या फिर टूल बॉक्स। तो टूल बॉक्स कंट्रोल थोड़ी होता है, उसमें तो खुद इतने सारे टूल्स होते हैं, तो ये टूल बॉक्स राइट आंसर हो जाएगा। नाइन्थ वाले पे आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन नॉट बी यूज टू ऐड अ कंट्रोल टू अ फॉर्म, डबल क्लिकिंग, ड्रैगिंग, एडिंग, ड्राइंग। देखिए ड्रैगिंग भी होता है, एडिंग भी होता है, ड्राइंग भी होता है, लेकिन डबल क्लिकिंग से ऐड नहीं होता है, तो इसमें आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नीचे आ जाइए नंबर टेन पे, नंबर टेन पे आपका
विजुअल बेसिक इज ऑल्सो नोन एज डैश ड्राइवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ईच इवनिंग एवरी इवेंट, देखिए ईच का भी कोई मतलब नहीं बनता है यहाँ पे, इवनिंग का भी कोई मतलब नहीं बनता है, एवरी का भी नहीं बनता है, इवेंट का बनता है क्योंकि इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इवेंट। ठीक है, तो ये सारे आंसर मैंने करा दिए, इन सबको आपको कॉपी में करना है देख के। ठीक है, किसी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बाद में पूछ भी सकते हैं। ठीक है।